आंकड़े ये बताते हैं कि क्यों जो है वो मोदी फैक्टर लोकसभा में काम करेगा या आम आदमी पार्टी को इस बार भी सफलता नहीं मिलेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 46%, आम आदमी पार्टी को 33% और कांग्रेस पार्टी को 15% वोट शेयर मिला था। सातों सीटों पर भाजपा जीती थी स्प्लिट ऑफ वोट्स की वजह से। 2019 के चुनाव में भाजपा का जो वोट शेयर है यहाँ पर 57% हो जाता है, यानी 11% बढ़ जाता है। आम आदमी पार्टी 18 पे गिर जाती है और कांग्रेस पार्टी 23%। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी इज बेटर प्लेस्ड टू फेस बीजेपी इन अ लोकसभा इलेक्शन। इसका मतलब अभी भी लोग समझते हैं कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी के बजाय 2019 में लोगों ने समझा कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। जी, केजरीवाल के पक्ष में या आम आदमी पक्ष में ये बातें जाती है कि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। 2015 के चुनाव में 54% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 34% और कांग्रेस को 10% वोट मिले थे। सीटें जो है 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी, 3 सीटें बीजेपी को। वही 2019 के बाद जब बीजेपी के वोट काफ़ी बढ़ गए थे, 57% चले गए थे, उसके एक साल बाद चुनाव होता है 2020 में, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर उतना ही रहा जितना 2015 में था, 54%। बीजेपी के वोट जो है वो 39% हो गए और कांग्रेस के वोट 10% से घट के 4% हो गए। उसका जो है 5% वोट बीजेपी को चला गया। तो 54% जो है विधानसभा में आम आदमी पार्टी मेंटेन करती है, यही कहानी है। लेकिन अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक पेंडुलम वोटर है दिल्ली में जो कि शिफ्ट होता है कभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ, तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो जाता है आम आदमी के पास। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। देखिए, 2014 के चुनाव में भाजपा 7 सीटें पर जीती, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीत पाई 70 में से। वहीं 2019 में फिर 7/7 भाजपा को मिला और 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 out of 70 सीट आम आदमी पार्टी जीत करके आई। तो होता ये है दिल्ली में कि 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले, वो घट करके लोकसभा चुनाव में 18% हो जाते हैं और फिर से वही बढ़ करके 2020 के विधानसभा चुनाव में 54% हो जाता है। इसका मतलब है कि 36% ऐसे वोटर हैं दिल्ली में जो किसी भी आइडियोलॉजी से अलाइंड नहीं है, ना वो भाजपा के हार्डकोर सपोर्टर हैं या वोटर हैं, ना वो आम आदमी पार्टी के, ना वो किसी और पार्टी के। ये न्यूट्रल वोटर हैं, नॉन अलाइंड वोटर हैं, स्विंग वोटर हैं, जो चुनाव दर चुनाव सिचुएशन के हिसाब से कभी आम आदमी पार्टी को तो कभी भाजपा को वोट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चंक है क्योंकि ये पूरा चुनाव हिला सकता है। 2019 में जहां भाजपा को 57% वोट शेयर मिला था, वहीं आम आदमी पार्टी को 18 और कांग्रेस पार्टी को 23, यानी लीड जो थी दोनों को मिला भी दे तो भी 16% की लीड भाजपा को थी। लेकिन यहां जो सहानुभूति वोट जो है वो किधर जाएगा, जो 56% या 52% की जो बात हो रही है, ये जो स्विंग वोटर है वो यदि केजरीवाल को मिलता है तो केजरीवाल कहाँ पे खड़े होंगे? तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल को सहानुभूति वोट मिलेगा और वो बीजेपी का वोट खींच पाएंगे? देखिए, ये जो स्विंग वोटर है डिस्टिंक्शन समझता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव। अब सहानुभूति अगर थोड़ी बहुत मिलनी भी है तो मुझे लगता है वो विधानसभा चुनाव में मिलेगी 2025 के, अगर मिलती है तो। आम आदमी पार्टी एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से निकल करके उपजी है, तो जो मेन प्लैंक था आम आदमी पार्टी का करप्शन, क्योंकि बहुत सारे करप्शन एलिगेशंस हैं, 2 मिनिस्टर जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल खुद जेल में थे, अभी इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी का जो एक पार्टी विथ अ डिफरेंस, एक नॉन करप्ट इमेज था, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये जो है ये स्विंग वोटर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर को नहीं, क्योंकि हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर तो आज भी केजरीवाल को भगवान मानता है और जो भाजपा का वोटर है वो मोदी को मानता है। लेकिन जो स्विंग वोटर अर्बन वोटर है, मिडिल क्लास वोटर है, मेरे हिसाब से इस पे जो है जो इमेज की धूमिल इमेज धूमिल हुआ है और इसी की वजह से शायद सहानुभूति ना मिले। लेकिन आपको क्यों लग रहा है? स्वाति मालीवाल का भी मुद्दा है क्या, उससे भी वोट छिटक सकते हैं, आप ये भी मानते हैं? स्वाति मालीवाल के मुद्दा से भी थोड़ा बहुत वोट जो है वो महिला सपोर्ट जो है
आम आदमी पार्टी का, वो छिटक सकता है, लेकिन बहुत बड़ा शायद वो फैक्टर ना हो। करप्शन अभी भी हावी फैक्टर रहने वाला है। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि केजरीवाल को सहानुभूति वोट मिलेगी इतने एलिगेशंस और जेल जाने के बाद भी? देखिए, अभी भी आप माने या ना माने, केजरीवाल को जो जेल में डाला गया वो एक मुद्दा है वोटर के दिमाग में। आप किसी से भी रोड पे बात कीजिए तो वो कहेगा कि जेल में तो नहीं भेजना था। अब जो जेल से उनकी रिहाई हुई है, भले ही इंटरिम बेल है, लोगों को इतना टेक्निकल चीज़ मालूम नहीं है कि वो दोबारा जो है चुनाव खत्म होगा तो जेल चले जाएंगे। उनका कहना, देखो छोड़ तो दिया ना, इसका मतलब वो दोषी नहीं है, इस तरह की बातें जो है आपको हर जगह सुनाई देगी। तो थोड़ा आंकड़ों की भाषा में बता देता हूँ कि ये जो स्विंग वोटर की बात जो है अमिताभ जी ने समझाई है, 36% की बात, इस 36% में यदि केजरीवाल को 9% का सहानुभूति वोट मिला तो क्या स्थिति होगी दिल्ली में? बीजेपी 2 सीट पे होगी और इंडिया गठबंधन 5 सीट पे होगा। यदि इसी 36% जो स्विंग वोटर है, जो पेंडुलम वोटर है, उसमें से 12% वोट यदि बीजेपी से इंडिया गठबंधन झटक ले तो बीजेपी जो है 0 सीट पे आ जाएगी और इंडिया गठबंधन जो है सभी 7 सीटें जीत सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा स्विंग होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 9% और 12% का खेल है यहाँ पर। अमिताभ जी, बाबा यहाँ पे आपने 9% डिवाइड बाई 36% यानी स्विंग वोटर का 1/4 वोटर सहानुभूति वोट अगर कर देता है केजरीवाल को तब 5-2 हो जाता है, और अगर 18% यानी आधे वोटर उसमें से सहानुभूति वोट अगर केजरीवाल को करते हैं तो जाकर के 7-0 होता है। और इसमें सबसे बड़ा अजम्पशन आपने ले लिया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट ट्रांसफर होगा और इकट्ठा हो। ये इस पर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए ट्रांसफर होगा कि मेरा मानना है कि दोनों का वोट बेस सेम है, क्योंकि कांग्रेस के ही दम पर आम आदमी पार्टी बनी है, उसी का वोट खाया और उसी का वोट लेकर के वो सफल रही है, विधानसभा में भी सफल रही है, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को ट्रांसफ़र होगा और आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को ट्रांसफ़र होगा। लेकिन आपको इस बात में शक क्यों लग रहा है कि वोट ट्रांसफ़र नहीं होंगे? बहुत जगह नहीं होते हैं, लेकिन दिल्ली की बात करें तो चूंकि दोनों का वोट बैंक सेम है इसलिए मुझे लगता है ट्रांसफ़र होगा। जी देखिए, किसी भी अलायंस में 2+2 4 नहीं होता, या तो 3 होता है या तो 5 होता है। तो अलायंस में केमिस्ट्री भी बहुत बड़ी बात होती है। एक जगह पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही करप्शन मूवमेंट को ला करके उसका जन्म हुआ था, आज दोनों हाथ मिला के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी वोटर पर हो सकता है। हमने देखा है, आपको ध्यान होगा बाबा, कि मुझे लगता है पिछले 10 सालों में अगर कोई भी अलायंस काफ़ी सक्सेसफुल रहा है भाजपा के खिलाफ, वो था लालू और नीतीश का अलायंस 2015 में, जिसने भाजपा को बुरी तरह से हराया। उस वक्त किसी भी अलायंस में सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी आम आदमी पार्टी का सारा वोट कांग्रेस को पड़ना चाहिए, कांग्रेस का सारा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए, लेकिन इसमें लीकेज होता है, 100% नहीं होता। 10% यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट अगर जोड़ दें लोकसभा में तो 18% + 23% 41% होता है। इसका 10% यानी 4% काफ़ी नॉर्मल लीकेज होता है, जो कि किसी भी अलायंस में हमें देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लीकेज हो सकता है। और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 4% या 5% वोट है, तो वो तो एंटी आप ही वोट है ना। लोकसभा में तो एंटी बीजेपी वोट है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन विधानसभा में एंटी आप वोट है, वो शायद ट्रांसफर ना हो। तो इसी में पेज जो है वो फंसा हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा लड़े भी होते 2019 का चुनाव, तो भी उनका वोट शेयर 41% होता और भाजपा का वोट शेयर 57% था, 16% की लीड थी। उस केस में भी भाजपा 7-0 यानी सत्ते पे सत्ता यहां पर कर पाती थी, कर सकती थी।